तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन ट्वेंटी मिनट्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं तो ये आपके सामने लिस्ट है सभी को हम डिटेल में देखेंगे एंड ये सभी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं इसी के साथ शुरू करते हैं आईसीटी की बेसिक डेफिनेशन से सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको आईसीटी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए जो कि है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है सूचना कहीं से भी हमें सूचना मिलती है एंड इंटरनेट की मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं यानी कि संचार कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग घर बैठे ही इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं एंड किसी से बातचीत यानी कि कम्युनिकेट भी कर सकते हैं तो ये मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सो so, इसके अंदर इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंप्यूटर रेडियो टेलीविजन या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी हैं वो सारी चीजें आ जाती है तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन इसकी देखी है अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि एन टी ए युद्ध दो हजार तेईस के पेपर टू प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमने लाया है जो कि यूजीसी सीनेट एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है इसमें हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड कराते हैं सो टोटल टेन यूनिट्स हम यहाँ पे कवर करते हैं एंड इस एमसीक्यू सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो जिस भी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखा गया है वो सभी सब्जेक्ट्स के पेपर टू स्टडी मटेरियल अवेलेबल है एंड ये आपको एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करेगा सो so इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से इजिली कॉन्टेक्ट करना होगा एंड जनरली इसकी फी है सिक्सटीन हंड्रेड लेकिन आज मैं आपको देती हूँ फ्लैट ट्वेंटी ऑफ यानी कि इसके लिए आपको पे करना है सिर्फ ट्वेल्व हंड्रेड एंड लगातार आप लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हो इसके साथ ही अब हमारा अगला टॉपिक है तो इस तरह की जो स्क्रीन आपके सामने आती है ये होता है मोनिटर ठीक है ये होता है की बोर्ड देन वी हैव माउस तो माउस भी दो तरह के होते हैं एक वायर्ड एक वायरलेस करेक्ट देन वी हैव स्पीकर यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे है ये सीपीयू इसको कंप्यूटर लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है सीपीयू है एंड हियर वी प्रिंटर सो प्रिंटर और स्पीकर्स को ऐड करना या नहीं करना ये आपकी अपने रिक्वायरमेंट होती है इसके अलावा कीबोर्ड, माउस मॉनिटर एंड सीपीयू ये पार्ट्स कंपलसरी होते हैं इनमें से अगर एक भी पार्ट मिसिंग है तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करता तो ये सभी पार्ट्स को हम अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसकी मदद से हम डेटा को एंटर कर सकते हैं अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरी जो आवाज है वो मेरे लैपटॉप के माइक के थ्रू जा रही है तो माइक क्या हो गया इनपुट डिवाइसेस होगी अब आप लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल में मेरा ये सेशन देख रहे हो तो आप लोगों को आवाज बाहर को आ रही है यानी कि आउटपुट डिवाइस से आ रही है तो आउटपुट डिवाइस क्या है स्पीकर है जैसे कि ये जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसको मॉनिटर बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है यानी कि ये आउटपुट है ये आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड क्या है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हम जो कुछ भी एंटर करेंगे जो कुछ भी इसमें दबाएंगे वो सारी चीजें हमारे कंप्यूटर के अंदर चली जाएंगी सिमिलरली माउस भी क्या है इनपुट डिवाइस है, है अब अगर हम सीपीयू की बात करें सीपीयू क्या है ना ही ये इनपुट डिवाइस है ना ही ये आउटपुट डिवाइस है सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का दिमाग अब मेरे हाथ काम कर रहे हैं मैं जैसे बोल रही हूँ मैं मुंह से बोल रही हूँ लिख रही हूं ये देखो मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं हाथों से लिख रही हूँ लेकिन ये सारी इंस्ट्रक्शंस मुझे कौन दे रहा है ये सब इंस्ट्रक्शंस मुझे मेरा दिमाग दे रहा है वैसे ही कंप्यूटर में हम चाहे प्रिंटर से कोई प्रिंट आउट निकलवाए मोनिटर में कुछ गाने चलाएं ये सारी चीजों के पीछे कौन होता है सीपीयू होता है सो so, इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया ट्वेंटी मिनट्स में हम ये पूरी यूनिट को कवर करने वाले हैं सो so, इस यूनिट के बाद अगर आप अपना इवेल्युएशन टेस्ट देखना चाहते हो आप चेक करना चाहते हो कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं उसको चेक करने के लिए एक बिल्कुल फ्री इवेलुएशन टेस्ट हम लेकर के आए हैं जो कि हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन पे आपको मिलेगा एप आप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है कॉन्टेंट सेक्शन पर यहाँ पे आप पे पेपर वन क्रैश कोर्स या पेपर वन कंप्लीट कोर्स में जा सकते हो देन आपको कॉन्टेंट सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पे पेपर वन की यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे तो so, जो भी यूनिट यूनिट का आप आप टेस्ट देना चाहते हो उस पे पे क्लिक क्लिक कीजिए एंड इस पर करोगे तो यहाँ पे आपको हर एक अगले टॉपिक so, मैंने आपको बता दिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे इनपुट so, डिवाइसेस में पहला है कीबोर्ड दूसरा है माउस ये दोनों बिल्कुल बेसिक हैं जैसे माइक्रोफोन जैसे मैंने आप लोगों को अभी माइक बताया कि मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज से जा रही है मेरे माइक से मेरे लैपटॉप के अंदर जा रही है ठीक है वैसे ही जॉयस्टिक हो हो होता है ये गेमिंग के लिए यूज होता है ट्रैक वॉल भी यूज होता है देन वी हैव स्कैनर यानी कि कोई कागज आपके पास है उस कागज को अगर आपने इमेज के फॉर्मेट में एंटर करवाना है अंदर रखना है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में तो स्कैनर यूज होता है टच स्क्रीन मोबाइल्स आप यूज करते हो तो वो भी क्या है इनपुट डिवाइस है, है वो भी इनपुट डिवाइस है मोनिटर हेडफोन्स जिससे की आवाज बाहर, so, बाहर हमें सुनाई देती है स्क्रीन प्रोजेक्टर यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो हम वॉल पर इसके थ्रू देख सकते हैं तो ये हमें रिजल्ट आउट करके दे रहा है प्रिंटर क्या करता है कंप्यूटर के अंदर जो फोटो है जो भी पेपर है उसको एक कागज में हमें निकाल कर देता है सिमिलरली प्लॉटर होता है प्रिंटर प्लॉटर सेम ही फैमिली से बिलोंग करते हैं साउंड कार्ड स्पीकर वीडियो कार्ड ये ये सब हमने बता दिए जीपीएस लोकेशन तो ये सब क्या है ये सब के सब के आउटपुट डिवाइसेस है अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कीबोर्ड आप बोलोगे कीबोर्ड तो आ गया मैम ऑलरेडी हमने इनपुट डिवाइसेस में इसको कवर कर दिया लेकिन कीबोर्ड अपने आप में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए तो की बोर्ड पे बहुत सारी कीज होती हैं अब यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन नोट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है एक जनरल की बोर्ड में ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट एग्जाम में आएगा तो स्टूडेंट्स इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए अगर नहीं आता है तो भी कमेंट करके बता दीजिए कि मैम हमें इसका आंसर नहीं पता तो मैं वहां पर ही आपको रिप्लाई करूंगी एंड अगर आपको इसका आंसर आता है तो भी कमेंट कर दीजिए ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को भी मदद मिल जाए टोटल कितने बटन होते हैं की में कितनी कीज होती हैं, ये आपने बताना है अब देखो ये जितनी भी कीज है इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो आता है ये आता है फंक्शन कीज सो फंक्शन कीज होती है एफ F1 वन से एफ ट्वेल्व तक कॉर्नर वाली कीज जिसमें ई एस सी लिखा होता है ये होती है स्केप की करेक्ट देन वी सा इसको बोला जाता है स्पेस बार यहाँ पे कंट्रोल बटन यहाँ पे कंट्रोल बटन अब आप बोलोगे कि दो बार एक ही बटन क्यों है अब देखो जैसे कि कीबोर्ड में ये वाला जो एरिया होता है ना ये वाला एरिया इसमें बेसिक ए टू जेड होते हैं ठीक है ए से जेड तक के यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं अगर हमें ये आधे में डिवाइड करते हैं अगर ये वाले कीज को प्रेस करना है तो ये वाले कंट्रोल के साथ कर सकते हैं एंड बाकी के कीज को प्रेस करना है तो इस कंट्रोल के साथ कर सकते हैं तो फिंगर्स इजीली मूव हो जाती है करेक्ट सो so, ये बटन क्या होता है ये होता है एंटर बटन जिससे कि हम कुछ लिखते हुए इसके बाद अगली लाइन पर आते हैं मैंने अपना नाम लिख दिया अगली लाइन पे आना है तो एंटर प्रेस कर सकते हैं ये वाला जो बटन है ये होता है बैक स्पेस यानी कि एक एक स्पेस पीछे जाना है करेक्ट ये होता है हमारे पास डायरेक्शनल कीज जिसको की एरो कीज के नाम से भी जाना जाता है टॉप डाउन लेफ्ट राइट ये चार तरह की कीज होती हैं देन वी हैव Keyboard, जिसमें कि जीरो से नौ तक नंबर होते हैं प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस डिविजन ये सारे सिम्बल्स भी इसमें आपको मिलते हैं इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेशल सिम्बल्स होते हैं जैसे कि एट द रेट परसेंटेज एंड का साइन डॉलर का साइन ये स्टार हो गया ये जितने भी सिंबल्स होते हैं लेस देन ग्रेटर देन ठीक है ये करली ये सारे आते हैं स्पेशल सिंबल्स के अंदर करेक्ट सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक की जो चीजें हैं आप लोग कीबोर्ड के केस में समझ गए हो अब होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है जरूर उसका रिप्लाई कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ प्रिंटर सो प्रिंटर भी क्या है प्रिंटर हमारे पास है एक आउटपुट डिवाइस इसको दो हिस्सों में बांटा गया है इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कि डायरेक्टली पेपर और प्रिंटर की जो डिवाइस होती है प्रिंटर डिवाइस के अंदर जो मेन पार्ट होता है जो प्रिंट करने में हमें मदद करता है उसको ये पेपर के साथ टच करते हुए काम करता है सो so इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कैरेक्टर एंड लाइन लाइन में दो टाइप्स होते हैं डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी व्हील एंड सॉरी कैरेक्टर के दो टाइप्स हैं ये एंड लाइन के दो टाइप्स है ड्रम चेन एंड बैंड So चेन कि प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है तो ये इम्पैक्ट में आता है ओके नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट ये आप लोगों के पास एक होमवर्क क्वेश्चन है अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सी इनपुट डिवाइसेज है चार ऑप्शन है यहाँ पे देखो बहुत सारे डिवाइसेज के नाम इस तरह से लिखे हुए है आप देख सकते हो तो जो जिसमें कमेंट तो करके बताइए कि क्या सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू सीपीयू नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू सीपीयू का मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए ठीक है जितने भी डेटा प्रोसेसिंग के काम होते हैं आप लोग कोई अपने कंप्यूटर पे गाना डाउनलोड कर रहे हो या फिर एक फाइल दूसरी जगह पे भेज रहे हो अपने कंप्यूटर से तो उन सारी प्रोसेसिंग के पीछे किसका हाथ होता है सीपीयू का हाथ होता है अब आपको अगर बाहर से देख, देखोगे तो सीपीयू आप लोगों को कैसा दिखेगा सीपीयू बस एक इस बॉक्स की तरह आपको दिखेगा लेकिन अंदर से सीपीयू को फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है पहला होता है एएल दूसरा होता है सी यू एंड तीसरा होता है मेमोरी एएलू का मतलब क्या होता है आर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एमयू मेमोरी यूनिट सी यू कंट्रोल यूनिट कुछ भी चीज को स्टोर करना है गाना डाउनलोड करके स्टोर कर रहे हो कोई फोटो आप कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल रहे हो तो वो मेमोरी यूनिट के अंदर जाता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कोई कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है तो वो ए एल यू करता है एंड जैसे सीपीयू है कनेक्ट है यहाँ पे माउस है की बोर्ड है यहाँ पे स्पीकर प्रिंटर है, है कितनी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है इनका जितना भी काम रहता है उन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है सो आई होप स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों की बहुत अच्छी रिविजन हो रही होगी सुपर फास्ट सेशन है जो कि डेफिनेटली डेफिनेटली कम समय में आपको मदद करता है अच्छा स्कोर करने में एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो मुझे कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज मेमोरी यूनिट सो मेमोरी क्या होता है व्हेन द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इन द कंप्यूटर वेयर दे आर स्टोर्ड ठीक है सो जो भी चीजें हैं इंस्ट्रक्शंस है डेटा है, है जब भी कंप्यूटर के अंदर वो जाता है एंड जहां पे उसको स्टोर किया जाता है उसको मेमोरी बोलते हैं सो मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स की होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राथमिक एंड माध्यमिक तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की मेन मेमोरी भी बोला जाता है जो कि ऑलरेडी पहले से ही कंप्यूटर के अंदर होती है ठीक है एंड सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है जिसको ऐड करना या फिर नहीं करना ये एक पर्सन की अपनी चॉइस होती है अब अगर यूज तो कर सकते हो तो जो पहले से मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड जो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आप यूज करते हो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी तो ये ऐड करना या नहीं करना स्टूडेंट पे यूजर पे होता है पूरी तरह से मेमोरी को आगे बहुत से हिस्सों में डिवाइड किया गया है जिसमें कि सबसे पहले आता है रजिस्टर मेमोरी जिसको कि सीपीयू रजिस्टर भी बोलते हैं लेवल जीरो पे ही आता है सो so, सीपीयू रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट सेट होता है जिसमें कि डेटा को होल्ड किया जाता है रजिस्टर जो है वो बेसिकली स्टोर होते हैं किसको यूज होते हैं किसको स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए जो भी डेटा हमने यूज किया है उस डेटा को ये स्टोर नहीं करता लेकिन उसके एड्रेस को स्टोर करता है अब बुक में आप लोगों ने इंडेक्स देखा होगा इंडेक्स में डायरेक्टली चैप्टर या इंट्रोडक्शन तो नहीं होती है इंडेक्स में सिर्फ क्या होता है उस चैप्टर का या उस टॉपिक का एड्रेस होता है वैसे ही रजिस्टर यहां पे काम करता है सेकंड आ गया कैशे मेमोरी जिसका एक एग्जाम्पल एस रैम है एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम आगे हम देखेंगे ठीक है 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 सो मेमोरी क्या होती है? ये होती ये एक चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट जो कि डेटा को इजीली रिट्रीव कर सकता है मेमोरी से एंड कैशे मेमोरी जल्दी से भर जाती है अगर आप इसको डिलीट करना चाहो तो इमीडिएटली डिलीट भी कर सकते हो मेन मेमोरी मैंने आप लोगों को बता दिया मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स टेपर जो है ये दोनों ऑक्सिलरी मेमोरी के टाइप्स आते हैं ये आप देख सकते हो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें कि हम बात करेंगे रैम एंड रोम की तो देखो रैम एंड रोम इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी रीड ओनली यानी कि इसके अंदर जो लिखा है उसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं उसको एडिट करके चेंज करके कुछ नहीं उसमें नया हम ऐड कर सकते रैम होता है रेंडम एक्सेस मेमोरी करेक्ट सो so, सबसे पहले हम रैम की बात करते हैं रैम इज बेसिकली यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डेटा बीइंग यूज्ड बाय सीपीयू इन रियल टाइम रैम के अंदर जो भी डेटा होता है इसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं एंड इसके अंदर जो डेटा है उसको हम लोग इरेज भी कर सकते हैं यानी कि मिटा भी सकते हैं वो भी बार बार जितनी बार हमारा मन चाहे जितनी बार हमें जरूरत हो सो रैम बेसिकली दो टाइप्स की होती है एक होती है एस रैम जो कि मैंने आपको भी बताया एस का मतलब है स्टेटिक रैम आपको आगे पता है दूसरा आता है हमारे पास डी रैम डी का मतलब क्या होता है डी का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है देन वी हैव रोम रोम क्या होता है प्री रिकॉर्डेड इसके अंदर चीजें आ जाती हैं एंड इसमें जो भी कुछ रहेगा उसको हम डिलीट नहीं कर सकते ठीक है एक बार जो ऐड कर दिया वो ऐड कर दिया उसको ना हम डिलीट कर सकते हैं ना ही नया उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन में देखो बताया गया है कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्यू ही सिर्फ ट्रू है क्योंकि रीड ओनली मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल नहीं होता वो नॉन वॉलीटाइल मेमोरी के अंदर आता है करेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो वॉलिटाइल और नॉन वॉलेटाइल की क्या डेफिनेशन है बहुत इजी टॉपिक है नेक्स्ट भी है विच ऑफ द दिप्रेजेंट वन वन बिलियन कैरेक्टर सो करेक्ट आंसर है गीगा वाइट सब ये गीगा वाइट क्या है अगर पहली बार कंप्यूटर आईसीटी पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेमोरी की कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं ठीक है जैसे कि आप लोगों को डेली कितना जीबी डेटा मिलता है टू जीबी कई लोगों को वन जीबी डेटा वाला पैक होगा कईयों को वन पॉइंट फाइव जीबी वाला होगा तो ये जीबी क्या है जीबी इज गीगाबाइट ठीक है तो ये यूनिट्स होते हैं मेमोरी के तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आता है बाइट्स फिर किलोबाइट्स फिर उसके बाद एम बी मेगा बाइट ठीक है उसके बाद गीगा इस तरह से आप देख सकते हो टीवी मतलब टेरावाइट ठीक है so सो ये बाइट किलो बाइट मेगावाइट गीगाइट टेरा वाइट पेटा वाइट एक्सा वाइट जेटा बाइट एंड यूटा वाइट तो ये आपको सिक्वेंस भी याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है so सो इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था अगला टॉपिक आ जाता है सी डी एंड डीवीडी तो सीडी और डीवीडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडी का मतलब क्या होता है आपने देखी जरूर होगी सुनी जरूर होगी सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ठीक है

थाउजेंड रुपीज आपको इसके लिए पे करना है एंड लगातार वन ईयर इसको यूज कर सकते हो एंड स्क्रीन पर दिए गए किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप की मदद से इसको आप भी कर सकते हो एंड पूरी जानकारी भी ले सकते हो नेक्स्ट वी हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो चीजें होती है जिसको हम लोग इजिली टच कर सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर वो चीजें होती है जो की हमारे मोबाइल के अंदर होती है जैसे व्हाट्सएप है फेसबुक है ये सारे एप्लीकेशन जो होते हैं ये सॉफ्टवेयर होते हैं हार्डवेयर होते हैं मोबाइल मोबाइल की बैटरी मोबाइल का चार्ज सिमिलरली यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर के केस में इसकी पूरी की पूरी लिस्ट में मैंने रखी हुई है कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एब्रिविएशन है जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है बस फुल फॉर्म है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ए एल लॉजिकल यूनिट तो इस स्लाइड को आप अच्छे से देख लीजिए इसमें समझना कुछ नहीं है बस इसको याद रख लीजिए नेक्स्ट वी हैव इंटरनेट इंटरनेट आप सभी यूज़ कर रहे हो एक जगह पर बैठ कर इंटरनेट की मदद से पूरे वर्ल्ड में हम लोग कहीं पे भी किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमन इंटरनेट टर्म्स जिसमें की एच टी टीपी एच टी टीपीएस इसमें भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है हाईपोटेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है आईपी एड्रेस हर एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है ईमेल को हम आगे डिटेल में देखते हैं सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम ये सब ई e कॉमर्स जैसे कि अमेजोन वगैरह हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट है वेबसाइट वेबसाइट क्या होती है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस ठीक है अब वेबसाइट फेसबुक आपने चलाई है फेसबुक में क्या है बहुत सारे छोटे छोटे वेब पेजेस हैं जिनको मिलाकर एक वेबसाइट बनती है वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं इसके एक एग्जांपल आप देख सकते हो गूगल क्रोम आपने सुना होगा जिसकी मदद से हम लोग गूगल पे जाकर के कुछ भी सर्च कर सकते हैं तो ये सारे इसके एग्जांपल हैं ठीक so, ये यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे किस से कैसे किस से आते हैं Next, we have email. Email क्या होता है प्रोफेशनल एक तरीका है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मेल करना किसी एक जगह से दूसरी जगह पे फाइल्स को ट्रांसफर करना ठीक है सो ईमेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं टू में आता है उस पर्सन का ईमेल आईडी जिसको हमने मेल भेजना है सब्जेक्ट में आता है कि क्या हमारा मेल भेजने का टॉपिक है किसी को फाइल भेजनी है यहाँ पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए जैसे व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजते हैं एंड आप इजीली यहाँ पे सेंड का बटन प्रेस कर सकते हो देन ईमेल आईडी से रिलेटेड एक बेसिक टर्म है जिसका नाम है बीसीसी बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी सिमिलरली सीसी भी पूछा जा सकता है जिसका मतलब होता है कार्बन कॉपी ठीक है सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीसीसी और सीसी से रिलेटेड

वायरस क्या होता है वायरस आपको पता है हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसी फाइल आ जाती है 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 जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है. तो वो होता वायरस एंड इसको बचाने के लिए हम लोग अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में एंटीवायरस का यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पता होगा कि वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है जैसे कि सीपीयू एक टर्म है जिसकी फुल फॉर्म है वैसे वायरस की भी फुल फॉर्म होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है यूजीसी नेट एग्जाम में और सेट एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है तो आप लोग इसके लिए इसकी फुल फॉर्म मुझे कॉमेंट करके बताइए ठीक है तो वायरस क्या करता है हमारे मोबाइल में हमारे कंप्यूटर में आ जाता है एंड अगर उसी कंप्यूटर या मोबाइल से हम किसी को कोई फोटो भेजते हैं या फिर कोई फाइल भेजते हैं कोई गाना भेजते हैं तो उसी के साथ वो बाहर चला जाता है वायरस हमारे सिस्टम में है इसकी पहचान कैसे होती है कि हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है बहुत हैंग होता है जो काम हम करवाना चाहते हैं उसके अलावा वो कुछ और और ही काम करता रहता है इसका मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में वायरस है अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके सिस्टम में वायरस है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो इसमें हम और भी ज्यादा डिस्कशन कर सकते हैं इस टॉपिक पर एक सेपरेट सेशन में आपके लिए लेने वाली हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है इन चारों में से इसका नाम आप मुझे कॉमेंट करके बताइए तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं जिसमें कि आज हमने सुपर फास्ट रिवीजन की है आईसीटी के ट्वेंटी टॉपिक्स की जो कि हर साल एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट